दोस्तों, आप अगर विजेटेक V12 प्रोजेक्टर परचेज करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, उसके बाद जो है आप डिसाइड कीजिए कि इस प्रोजेक्टर को आपको परचेज करना है या नहीं। सबसे पहले बात करें इस प्रोजेक्टर की प्राइस की, तो ये प्रोजेक्टर जो है फिलहाल Amazon पे लगभग दो प्राइस यहाँ फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन पे देख सकता हूँ, जिसमें एक है 21,990 और दूसरा जो है वो 22,990, लगभग 22,000 या 23,000 के आसपास का प्राइस अभी Amazon पे है। और इस प्रोजेक्टर को मैंने जो है परचेज किया था Amazon से जब इसका शॉर्ट टाइम के लिए इसका प्राइस जो था वो कम था, 11,800 के करीब, लगभग 12,000 के आसपास का जब प्राइस था उस वक्त मैंने इस प्रोजेक्टर को परचेस किया था। और उसके बाद में मैंने इसका रिव्यू वीडियो भी डाल के रखा है अपने चैनल पे, वो रिव्यू वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। मगर इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये प्रोजेक्टर आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जिस वक्त मैंने प्रोजेक्टर परचेस किया था उस वक्त इस प्रोजेक्टर की जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई थी उसमें 5500 लुमेंस इसकी ब्राइटनेस मेंशन की गई थी, जो कि अभी मैं देख रहा हूं तो यहां पर 7000 लुमेंस का दिखा रहा है और बाकी सारे चीजें जो है वो एज इट इज ही हैं। तो यहां पर चेंजेस के नाम पे जो है लुमेंस यहाँ पर मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये फुल HD एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 9 पे है और इसका इंटरफेस काफी बढ़िया है। प्रोजेक्टर का लुक जो है वो काफी अच्छा है, मगर कंपेयर करें अगर हम फुल HD रेंज की जो प्रोजेक्टर आजकल के डेट में आते हैं, इस प्रोजेक्टर में मुझे कलर्स की कमी नजर आई, साथ ही साथ जो ब्राइटनेस है वो भी मुझे कम लगा। यानी कि दोस्तों, पहले जो मेंशन किया गया था 5500 लुमेंस वो इस ब्राइटनेस के हिसाब से है, और अगर बात करें 7000 लुमेंस की जो करंट टाइम में मेंशन है तो इतनी ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर से आपको देखने को नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसका ठीक है और स्क्रीन साइज की बात करें तो ये प्रोजेक्टर आपको कंपनी 250 इंच की स्क्रीन बताती है, मगर 200 इंच के आसपास का आपको स्क्रीन बना के दे देगी और 250 इंच की स्क्रीन में भी ठीक था आपको पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। मगर जैसे कि मैंने कहा कि इसकी ब्राइटनेस उस लेवल की नहीं है जिस प्राइस पे ये प्रोजेक्टर फिलहाल मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर 22,000 से 23,000 रेंज या फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप अंडर 20,000 में भी अगर फुल HD प्रोजेक्टर आज की डेट में अगर देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे प्रोजेक्टर मिल जाएंगे जो इससे ज्यादा ब्राइटर और इससे ज्यादा डीप आपको कलर, काफी बेहतर कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ आने वाले प्रोजेक्टर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोजेक्टर में जो है रिमोट ऑपरेटिंग का जो है वो इशू है, रिमोट को स्क्रीन की तरफ करके आप ऑपरेट नहीं कर सकते, प्रोजेक्टर की तरफ भी जो है काफी ये ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो रिमोट ऑपरेटिंग के मामले में ये प्रोजेक्टर उतना आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा और इस चीज से जो है आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। अब दोस्तों, कुल मिला के बात करें कि क्या ये प्रोजेक्टर आपको लेना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इसको लगभग 12,000 के आसपास में परचेस किया था, इस प्राइस में अगर ये प्रोजेक्टर आपको मिलता है तो इसकी जो छोटी मोटी कमी है जैसे कि रिमोट की कमी या फिर ब्राइटनेस जैसी चीजों की या फिर कलर की जो कमी है, थोड़ा कलर इसमें डीप कलर नहीं मिलते हैं, तो इस चीज को जो है आप इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ इसका जो प्राइस है, प्राइस के हिसाब से इन चीजों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मगर दोस्तों, वही बात करें, ये प्रोजेक्टर आप अगर Amazon पे 22,000 या 23,000 में अगर परचेस करते हैं तो भाई इस प्राइस में आपको इससे बेहतर प्रोजेक्टर मार्केट में अवेलेबल है, तो ये प्राइस में आप इस प्रोजेक्टर को परचेस क्यों करेंगे। अब फाइनली इन सारी चीजों के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है इस प्रोजेक्टर का जो प्राइस है मुझे काफी ज्यादा लगा। कंपनी को इस प्रोजेक्टर में थोड़ी बहुत अपग्रेड करने की जरूरत है, चाहे इसकी ब्राइटनेस या कलर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तभी दोस्तों ये प्रोजेक्टर इस प्राइस में आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था विजेटेक V12 का मेरा फाइनल ओपिनियन। आपने इस प्रोजेक्टर को यूज किया है तो आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्टर के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।